गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। शहर कांग्रेस कमेटी ने घरेलू गैस व डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए किया आंदोलन। आज दिनांक 8 मार्च 2021 को शहर कांग्रेस कमेटी के सफल नेतृत्व में व सुनील साहू की अध्यक्षता में घरेलू गैस व डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई को देखते हुए एक आंदोलन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी हाय हाय, योगी मोदी होश में आओ, डीजल पेट्रोल का दाम वापस लो, घरेलू गैस का दाम वापस लो जैसे नारों से इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलकर सरकार को सुनाने का काम किया गया। यह कार्यक्रम मिश्र बाजार चौराहे से लेकर सुहासिनी पचरास्ता तक का पदयात्रा किया गया। इस कार्यक्रम में शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सीमा विश्वकर्मा सहित बहुत सारी महिलाओं ने भी पैदल चलकर इस सरकार को संदेश देने का कार्य किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शहर अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि इस नासमझ सरकार ने आमजन के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ते हुए गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल की बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई ने जनमानस को एकदम त्रस्त कर दिया है। जब तक कि सरकार घरेलू गैस व डीजल पेट्रोल का दाम कम नहीं होता, तब तक शहर कांग्रेस कमेटी गाजीपुर के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे और इसी तरह से सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बस एक बात आप सभी मीडिया के भाइयों से कहना है कि इन संघर्षों में आप हमारा साथ दें। इस पदयात्रा में मनीष कुमार राय, डॉक्टर शाह परवेज कमर, रतन तिवारी, लल्ली गुप्ता, अनुराग पांडेय, रईश अहमद, सुनीता कश्यप, अवधेश साहू, सतीश गुप्ता, प्रेम प्रकाश तिवारी, माधव कृष्ण, संजय खरवार, जावेद अख्तर, मीना देवी, अमरनाथ दुबे, माया सरोज, नीलम वर्मा, मंजू देवी आदि लोगों ने शिरकत किया। वीडियो बाइट सुनील साहू, उपाध्यक्ष कांग्रेस और मीना देवी। आज महिलाएं निकली हैं सड़क पर और गैस सिलेंडर लेकर के, क्या कहेंगी और क्या है ये, मतलब किस देख रहे तो हम लोग परेशान होंगे। महंगाई से कुछ स्तर से हम लोग आना ही पड़ा, मजबूर होकर आना पड़ा कि हम लोग क्या करें, उनको समझ नहीं है कितना हम तो झेलेंगे। आखिर गैस का सिलेंडर बढ़ा हुआ है और महिलाएं समझ सकती हैं इस महंगाई को, तो आप लोग क्या मांग कर रही हैं? क्या करना हम लोग, बस ये आप देख ही रहे, मतलब ये समझ नहीं है कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। पहले के रेट का तो इतना जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं कि अभी हम लोग क्या करना है, किस तरह हम लोग समझ जाएंगे, उनको ये समझ नहीं है। आखिर हम लोग, उनको तो कोई चिंता ही नहीं, वो तो अपना सही से हम लोग झेल रहे हैं, हम लोग का परिवार लेकर चलना पड़ता है, हम लोग हर तरह से वो करना पड़ता है, कैसे होगा? मेहनत बस हुई है जी। हाँ, क्या लग रहा है, मतलब सरकार मानेगी? अब मानेंगे ना, हम लोग कर्म हम लोग करेंगे, हर तरह से करेंगे हम लोग, जहाँ तक करना हम लोग करना है। इससे भी बड़ा आंदोलन। परिचय, सुनील साहू, अध्यक्ष और कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। सुनील जी, आज हाथों में गैस सिलेंडर और एक जुलूस के तौर पर आप निकले हैं, क्या संदेश इसका है? संदेश हम ये देना चाह रहे हैं, इससे पहले जो सरकार थी, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, वो एकदम निम्न स्तर पे जो है रेट दी है देश की जनता के लिए, और वो जो है हर परिवार को बहुत अच्छा एक मैसेज था कि नहीं, सब लोग संतुष्टि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन आज की मोदी सरकार, पूरे देश के आम परिवार हो या ऊपर के परिवार के लोग हैं, सब लोग महंगाई से चरमरा गए हैं और एकदम परेशान होकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे में देखा जाए कि आज महिला दिवस भी है। जी जी, तो क्या लग रहा है कि महिलाएं जो हैं मतगेड़ी होती हैं, उनको जो है इस महंगाई की मार कब तक झेलेंगी, क्या लग रहा है आपको? अब ये इसका जवाब तो नरेंद्र मोदी देंगे, या अभी इस जनपद के प्रभारी कौन शुक्ला जी हैं वो आए हुए हैं और महिलाओं के ऊपर कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिला परिषद हाल में, तो इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि महिलाओं के लिए वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, महिलाएं गैस कैसे ले रही हैं और कैसा अपना बचत कर कर के अपनी जीवन यापन कर रही हैं, इसका जवाब वो खुद भाजपाई ही दे सकते हैं। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, अहिंसा के साथ चलते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सिस्टम से करने का प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बढ़ोतरी पे भाजपाई नंगा नाच किया करते थे, लेकिन आज सैकड़ों में बढ़ रहा है, हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं।